धर्मी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधुओं, अब सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों ने अपने मनमानी तरीके से वीडियो बना बना करके डाल रहे हैं। मुस्लिम संगठन है इंडियन मुस्लिम करके, जिन्होंने एक वीडियो बनाया है कि इस्लाम में जिहाद नहीं है। इन अकल के दुश्मन से मैं पूछता हूँ कि जिहाद के माने अगर लड़ाई नहीं है, तो इस्लाम के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब अपना दांत कहाँ तुड़वाए थे? उहुद की लड़ाई क्या थी, तबुक की लड़ाई क्या थी? 27 लड़ाइयां लड़ी उन्होंने, एक दो नहीं, 27 लड़ाई लड़े। तो उन 27 लड़ाई को क्या नाम दिया जाएगा? माल गनीमत क्या है? माल गनीमत किसको कहा जाता है? ये बेतुकी बातें कह करके वरगला रहे हैं लोगों को, जो सच्चाई की जानकारी बिल्कुल नहीं है, सत से कोसों दूर है। एक एक शब्द का इसका जवाब मेरे पास मौजूद है। इस संदर्भ में मैं काम करता आया हूं अब तक, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हमारे तैयार किए हुए लोग इतने हैं कि उन्हीं को ही जवाब देना इनके लिए भारी पड़ रहा है, और चुनौती पर चुनौती दे रहे हैं सब मिलकर। क्या आओ सामने आकर के डिबेट करो? सामने आने की हिम्मत किसी की भी नहीं है। अब ये धर्मवीर जी, पहलवान धर्मवीर जी ने उसको जवाब दिया है, आप लोग उस पर विचार करेंगे। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुँचाएं। आइकन बिल दबाना ना भूलना। धन्यवाद के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 90% हिंदुओं के दिमाग में एक बात घर कर गई है कि कुरान हिंदुओं को मारने का आदेश देता है। जहाँ भी कुरान में काफिर शब्द आया है, वो स्पेशली हिंदुओं के लिए ही आया है, और कुरान काफिरों को कत्ल करने के लिए कहता है। पता है दोस्तों, हिंदू ऐसा क्यों सोचते हैं? कुरान की एक आयत की वजह से। कुरान की सूरह तौबा की आयत नंबर 5 में लिखा है कि काफिरों को जहां पाओ वहीं कत्ल कर डालो। इस आयत की वजह से भारत का हिंदू ये सोचता है कि देखो, कुरान तो साफ साफ काफिरों यानी हिंदुओं को मारने का आदेश दे रहा है। इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि इस्लाम आतंकवाद करना सिखाता है, इसीलिए मुसलमान जिहाद करते हैं। दोस्तों, इस आयत का क्लेरिफिकेशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये जान लेते हैं कि जिहाद क्या होता है। दुनिया के लगभग 90% गैर मुसलमानों की ये सोच है कि जिहाद वो होता है जिसमें मुसलमान कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाकर बॉम्ब फोड़े और उससे लोग मर जाएं, ये जिहाद होता है और इससे मुसलमानों को जन्नत मिलती है। मगर दोस्तों, ऐसा नहीं है। आइए देख। सभी दोस्तों को नमस्ते। इस्लाम के आलिमों, आज कल आपके लोग जो है बहुत वीडियो खेल रहे हैं, उनमें से एक इंडियन मुस्लिम है, वो अपना अलग ही तर्जमा कर रहा है कुरान का। देखिए कैसे, और मैं उसका जवाब दे रहा हूं, ध्यान से सुने। दोस्तों, कुरान के सूरह तौबा आयत के 5 के बारे में इसने बोला है, और पहले भी 3-4 आयतों के बारे में बोला है। मैं आप लोगों को उनके बारे में बताऊंगा, फिर सूरह तौबा आयत नंबर 5 बताता हूं, पढ़ता हूं और बताता हूं, ध्यान से सुने। ये क्या कहना चाहता है? पागल बनाते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कार है, मक्कारी करेंगे ही, चूंकि अल्लाह ने खुद कहा मैं सबसे बड़ा मक्कार हूँ, मैं सबसे बड़ा मकरे करने वाला हूँ, तो उसके मानने वाले भी तो मक्कारे होंगे, मकरे होंगे, मक्कार करने वाले होंगे। कहीं आप लोग ये संदेह करने लगे कि अल्लाह ताला कहाँ कहाँ है मकर करने वाला हूँ, एक दो जगह निबंधु अल्लाह ने कुरान में अनेक जगह कहा है, वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। मकर माने धोखा होता है,
कि धोखा करने वाले तुम हो और मैं भी धोखा करने वाला हूँ और मैं तुमसे बड़ा धोखा करने वाला हूँ। धर्मवीर जी इन्हीं बात को सुना रहे हैं, इसलिए आप लोग गलतफहमी के शिकार न बने। मकार करने वाला, मकर करने वाला तो खुदा खुद ही है, कुरान से ही मैंने हवाला दिया। सबसे बड़े मकार होंगे जब जैसा गुरु वैसा चेला। अब देखिए क्या कह रहा अल्लाह ताला, ध्यान से सुने, सूरह तौबा आयत नंबर 5। फिर हुर्रत वाले महीनों के खत्म होते ही मूर्ति पूजकों को, ये कह रहा हिंदू, किसी ने कहा यहां मूर्ति पूजक कहा, लेकिन मुशरिक भी कहा किसी किसी उसमें, मुशरिक और मूर्ति पूजक को, जहां पाओ कत्ल करो, जहां पाओ कत्ल करो, उन्हें बंदी बनाओ, उनका घेराव करो और उनकी ताक में हर घाटी में जा बैठो, लेकिन अगर वे तोबा करने और नमाज पाबंदी से लगातार पढ़ने लगे और जकात अदा करने लगे तो तुम उनका रास्ता छोड़ दो, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। ये देखिए अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है, क्या कह रहा है कि जहां पाओ उनको कत्ल करो, जहां से उनका आना जाना है, रास्ता है, उनकी ताक में छुपके से बैठ जाओ और जैसे आए उन पर अटैक करो। अगर वे तोबा कर ले, तोबा यानी कि माफी मांग ले, अल्लाह का दीन कबूल कर ले, जकात देने लगे, नमाज पढ़ने लगे तो उनका रास्ता छोड़ दो, अल्लाह ताला मेहरबान रहम करने वाला है। ये है अल्लाह ताला कि इस्लाम बन जाओ तो छोड़ेगा और नहीं बन जाओ तो उनका कत्ल करो जो ईमान नहीं लाए, जो मुसलमान नहीं बने। ये तात्पर्य इस आयत का है जो इंडियन मुस्लिम के नाम से चैनल चला रहा है, लोगों को पागल बना रहा है। अभी इसका मैं जवाब देता हूँ, काफिर कौन, काफिर कौन, सूरह बकर की आयत नंबर 98। इसने जो बताया वो गलत बताया, मैं बताता हूँ काफिर कौन। सूरह बकर की आयत नंबर 98 में अल्लाह ताला बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ, जो रसूल को ना माने, जो जिब्राइल को ना माने, जो मिकाइल को ना माने, जो इंजिल तोरेत कुरान को ना माने, जो अल्लाह को ना माने, यानी कि इनसे इनकार करने वाला, इनसे इनकार करने वाला कोई भी, वो कोई भी हो, वो सब काफिर है। वो कोई भी हो जो इनकार करता है इन बातों से, जो 90 सूरह बकर की आयत नंबर 98 में बताया अल्लाह ने, जो इनके विपरीत है, जो इनकार करने वाला, जो इनसे इनकार करता है, वो सब जो है काफिर है। उनको जहां पाओ कत्ल करो, जहां पाओ कत्ल करो। और सुन ले भैया, जो तो बोल रहा है ये काम अल्लाह करवा रहा है, आप तो कह रहे हैं अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ होता ही नहीं, जो भी होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो अगर वो इनकार कर रहे हैं इन बातों से तो उसका जिम्मेदार कौन है, अल्लाह है, कौन है, जवाब दीजिए जरा। या तो बोल जाइए इंशाल्लाह कहना कि अगर वो इनकार कर रहे हैं तो उसका जिम्मेदार अल्लाह है, उसका जवाब भी अभी दे रहा हूं कुरान से ही, सूरह बकर से ही दे रहा हूं। देखिए अल्लाह जो है कैसे जो है पर्दा करता है, कैसा करता है। और इसकी इसने जो कहा ना, पहले की आयत पढ़ के बता देता हूं, ये सूरह तौबा की 5 नंबर आयत है और उसमें क्या कह रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये सूरा देखिए, सूरा नंबर 1 में क्या कहते हैं अल्लाह ताला, ये मदीने में उतरी, इसमें 1 से 19 आयतें और 16 रकुए। 1 नंबर आयत कहती है, यह अल्लाह और उसके रसूल दूत की तरफ से बेजारी का ऐलान है, यानी कि ऐलान है बेजारी का, और उन मुशरिकों के बारे में जिनसे तुमने मुआदा किया है, यानी कि वायदा किया है। पहले बता दिया काफिर कौन है, उनसे वायदा किया, मुआहदा बता रहे हैं, मुआहदा किया, वायदा किया। नंबर 2, इसलिए हे मुशरिको, तुम देश में 4 महीने सफर कर लो और जान लो कि तुम अल्लाह को मजबूर नहीं कर सकते और अल्लाह काफिरों का रुसवा करने वाला है। ये कह रही है यानी कि तुम अल्लाह को गुमराह नहीं कर सकते,
अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, यानी कि या तो अल्लाह का दीन कबूल कर लो, नहीं तो तुम अल्लाह से बच नहीं सकते, बच नहीं पाओगे। ये कह रही है ये आयतें, जो झूठ बोला जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है इसके द्वारा। अब देखिए क्या कहता है अल्लाह, क्या क्या कहता है काफिरों के लिए, जो मैंने बता दिया। काफिर कौन? जो इस्लाम को नहीं मानता वो सब काफिर है। टोटल जितने भी दुनिया में, दो हिस्से में बांट दिया। सुन ले इंडिया मुस्लिम, तू ये चला रहा चैनल, जवाब दे दिए मेरी बातों का, मैं तेरी बातों का जवाब दे रहा हूं। पूरी दुनिया को इस्लाम ने, अल्लाह ने दो हिस्सों में बांट दिया, एक जन्नती और एक जहन्नमी। जन्नती जो ईमान लाए, काहे पे, किस बातों पे ईमान लाए, कि मोहम्मद साहब ने एक उंगली से आसमान के दो, उसके जो है चांद के दो टुकड़े कर दिए। जो इनको मान ले वो ईमान वाला, और जो ना माने वो बेईमान काफिर, उसको बाजू में कतल है। अल्लाह ने धरती को बिछोना बना दिया, बिछोना, इस पर पहाड़ गाड़ दिए ताकि उड़ ना सके। जो इन बातों को मान ले वो ईमान वाला, वो जो ना माने वो बेईमान बाजू में कतल। कितनी इस तरह की बातें, मैं एक बात बता रहा हूं उदाहरण उदाहरण के तौर पर। तो जो इन बातों को मान ले, सूरज जो है अल्लाह जो है शाम को कीचड़ में डुबो देता है। सूरह काफ की आयत नंबर 86 पढ़ लेना कि अल्लाह ताला ने देखा जब वहां उसके किनारे जुलकरनैन नबी थे कि सूरज कीचड़ में डूब रहा है। तो जो शाम को, अल्लाह को ये नहीं पता कीचड़, सूरज जो कीचड़ में डूबता है या नहीं डूबता है, या सूरज जो 24 घंटे कार्य करता है वो छिपता नहीं है। अगर यहां निकल रहा है तो अमेरिका में छिप रहा है, अमेरिका में छिप रहा तो यहां निकल रहा है, यहां तक नहीं पता इनको। ये बकवासबाजी करते रहते कि पाकिस्तान तो भारत का हिस्सा है, आधे घंटे का समय का फर्क है वहां, आधे घंटे का। इनको ये नहीं पता, जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि सूरज जो है कीचड़ में डूब सकता है, 13 लाख गुना बड़ा, 13.5 लाख गुना पृथ्वी से, और उसके कीचड़ के झोड़ों के ताल में डूब सकता है, जिसको ये नहीं पता वो उस पे कह रहे। जो इस बातों को मान ले, ईमान ले आए तो वो ईमानदार है, वो जिन बातों को ना माने, तरकी कसौटी में खड़ा करके माने, तो वो बेईमान है। ये कहता है अल्लाह, ये कहता है अल्लाह कि कुरान को, मैं कोई भी चीज लिखी है उसको कोई शक शुबा नहीं है, जो लिखा वो आपको मानना होगा, उस पर ईमान लाना होगा। जो इन बातों को मान ले, झूठ सच जो भी लिखा है वो ईमान वाला, और जो ना माने वो बेईमान। उनको अल्लाह ताला कहता है जहां पाओ कत्ल करो, जहां पाओ कत्ल करो। मैंने सूरह बकर की आयत नंबर 98 में जो अल्लाह ताला ने बताया है कि काफिर कौन है, वो भी मैंने बता दिया है। ध्यान से सुन ले, बात तो बहुत है बताने की। अभी कितनी आयतें ऐसी हैं जो खुद अल्लाह ताला कहता है कि मैंने काफिरों के दिलों पे पर्दा कर दिया है, मैंने काफिरों के जो है आंखों पे पर्दा कर दिया, दिलों पे मोहर लगा दिए। तो जिम्मेवार कौन है? अल्लाह है। कौन है? झूठ बोल रहा है। पूछिए उन्हें आलिमों से, जो आलिम आके जो है रोज कहते रहते हैं, जो आके कहते रहते। सूरह अंफाल की आयत नंबर 65 मैं खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं मोहम्मद साहब से, हे रसूल, हे रसूल कह दो, हे रसूल उकसाओ, यानी कि जोश भरो, उकसाओ मोमिनों में, मुसलमानों में, कि तुम बीस हो तो 200 काफिरों पे भारी हो, तुम 1000 हो तो 2000 काफिरों पे भारी हो। ये कौन कह रहा है भाई? ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह शांति चाहता है, या इस देश में जो है, इस धरती पे जो है फसाद चाहता है? जिहाद का साफ साफ मतलब है, सुन लीजिए जिहाद क्या कह रहा है अल्लाह ताला, बता देता हूं तेरे को। अल्लाह ताला कह रहा है सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में भी, उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देना देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा, मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह खुद कह रहा है किनको? जो ईमान नहीं लाए, जो मैंने बता दिया, जो काफिर है, उनकी डेफिनेशन आपको बता दी, उसमें अल्लाह ताला कह रहा है। दोबारा सुना देता हूँ सूरह तौबा की आयत नंबर 14, उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा। अल्लाह के बस की तकलीफ देवी नहीं है, तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। ये मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। आ जाइए आगे और बता देता हूं। हे ईमान वालों, देखिए अल्लाह क्या कह रहा है। हे ईमान वालों, आप, ये है सूरह तौबा की आयत नंबर 23, हे ईमान वालों, अपने पिता और अपने भाइयों को दोस्त ने बनाओ, अगर वह कुफ्र को
ईमान से ज्यादा अच्छा समझे। देखिए यहां क्या कह रहा है, सुन ले इंडियन मुस्लिम चैनल वाले, अल्लाह ताला कह रहा है अगर तुम्हारे सगे भाई माँ बाप भी हो ना और वो भी जो है ना माने, वो भी जो ना माने वो इनकार करे इन चीजों से, तो वो भी तुम्हारे खुले दुश्मन है। ये अल्लाह कह रहा है, माँ बाप के लिए भी मना कर रहा है, यानी कि जो इसमें लिखा है कुरान में वो मानना है, मानने वाले हैं वो ही ईमान वाले हैं, जो नहीं मानेंगे वो बेईमान है, वाजिब कत्ल है। अब चलिए सूरह, मैं उसकी बताया था आपको सूरह अनफाल के आयत नंबर 65 और 66 में फिर क्या कह रहा है अल्लाह, क्या कह रहा है अल्लाह, जब वहां से वो होकर आ गया, लड़ाई झगड़ा होकर आ गया, जब वो जो है पीटे जो है मोमिन आके, फिर क्या कह रहा अल्लाह, गैली बदल गया तेरा, अल्लाह गैली बदल गया भैया जी, गैल ही बदल गया। कह रहा नहीं अब तुम्हारे तुम्हारी ताकत का मुझे पता चल गया है, तुम कमजोर हो गए हो, अब तुम एक मोमिन हो तो दो काफिर पे भारी हो, क्यों पहले नहीं पता अल्लाह को, पहले नहीं पता, जो इन बातों को मान ले कि अल्लाह एक आयत में कुछ कह रहा है दूसरे में कुछ कह रहा, तो जो इन बातों को मान ले ईमान वाला, नहीं तो सब बेईमान। ये है अल्लाह का वो कलाम, इसे कहते हैं कलामुल्लाह, इसे कहते हैं अल्लाह का कलाम। ये थोड़े कितनी बातें हैं, सूरह तौबा की आयत नंबर 29 फिर क्या कह रही है, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और उसके आखिरत पर ईमान नहीं रखते। मतलब वही बात जो मैंने सूरह बकर की बात बताई है, 98 काफिर कौन है, उन लोगों से लड़ो, उन लोगों से लड़ो, किनको कह रहा है अल्लाह, मोमिनों को, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और उसके आखिरत पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और उसके रसूल के जरिए हराम की गई चीज को हराम नहीं समझते, न सच्चे दीन को कबूल करते हैं, मतलब सच्चा दीन किसको बताया, इस्लाम को, न सच्चे दीन को कबूल करते हैं उन लोगों में से जिन्हें किताब अदा की गई है, जब तक कि वे जलील होकर अपने हाथों से जिजिया टैक्स अदा ना करें, यानी कि इस्लाम कबूल ना कर ले, जब तक उनसे लड़ो उनको मारो। ये मैं कह रहा हूं, अल्लाह कह रहा है, आ जाइए इंडियन मुस्लिम चैनल बना के बात कर रहा है, बकवासबाजी करता है, मैं ये थोड़ी सी बातों का ही जवाब दे रहा हूं, बाकी तो सामने आ जाएगा तो उसकी धज्जियां उधेड़ जाएगी। कितनी बार पंडित महंतर पाल आर्य जी जो है कितने आराम से कहते भाइयों आओ बैठ के, अगर ये फितना फसाद है तो बैठ के दूर कर लेते हैं, आते हैं सामने नहीं, ये तो कहते मार देंगे काट देंगे जो इनका अल्लाह ने हुक्म दे रखा है। अगर फितना खत्म करना सब चाहते हैं तो पंडित महेंद्र पाल आर्य जी कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितने दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आओ भैया हम सब मनुष्य एक जाति के हैं, परमात्मा का के हाँ धर्म अलग अलग नहीं होता, एक ही धर्म है मानव मात्र का। कितनी बार कहते हैं आते हैं सामने, नहीं आते, इन्हें तो अपना एजेंडा पूरा करना है, ये भी अलग किया है, झूठ बोलते हैं बहकाते हैं। ये कह रहा तो कोई हिंदू नाम कहाँ है, हिंदुओं को मारने की क्या बात है, अरे हिंदू नाम नहीं हिंदुओं की मारने की बात है, काफिर कौन है, कौन है बता दिया ना काफिर की डेफिनेशन, पढ़ ले दोबारे से सुन ले इंडियन मुस्लिम, काफिर कौन है, जो इनकार करने वाले, किसे इनकार करने वाले, 98 सूरह बकर पढ़ ले, वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें शॉर्ट में इन चीजों को बता रहा हूं, और सुन बाकी बातों के लिए मैं जवाब तो तुझे बहुत सारा कुछ दे दूंगा एक चीज का। तू अगर चाहता है कि ये बातें खत्म हो, झूठ सही का पता लगे, तो मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह, मेरा नंबर है 9911380369, मुझे फोन कर प्यार के साथ में तैयार कर अपने आलिमों को, आइए हम स्वागत करते हैं, पूरा इंतजाम करेंगे, पूरा प्यार के साथ में, पूरा शास्त्रार्थ होगा, जो सही होगा उसको मानेंगे, जो गलत होगा उसको इनकार करेंगे, यानी कि सत्य को अपनाएंगे असत्य को छोड़ेंगे। आ जा तुझे वीडियो बनाने की, वीडियो बनाने खेलता है, रोजी रोटी चलती है इन चीजों से, जवाब देता है आ जा, तेरे को कह दिया जब चाहे जब आ जा, पूरी इस्लाम जगत से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, अगर आप चाहते हो कि मनुष्य मनुष्य से प्यार करे तो आपको आना होगा, जो सवाल खड़े हो रहे हैं कुरान पे और अल्लाह पे रसूल पे जो लोग बोलते हैं, आइए उनका जवाब दीजिए, आपसे विनती है प्रार्थना है, कोई बुराई नहीं है, आके आमने सामने शास्त्रार्थ करना, विद्वान लोगों का काम ही है कि सामने आके शास्त्रार्थ करे, सत्य को माने असत्य को छोड़े, लेकिन तुम लोगों को तो झूठ बोलना है, तुम्हारा तो जो है जब तक रोटी हजम नहीं होगी जब तक झूठ नहीं बोलोगे, लोगों को गुमराह नहीं करोगे, तुम्हें तो सारी दुनिया को इस्लामीकरण करना है, जब भी तो तुम्हारा अल्लाह तुम्हें जन्नत में भेजेगा,
रात दिन तुम्हारा यही एजेंडा है, जन्नत का जो एडवर्टाइजमेंट करते रहते हो, जन्नत में ये चीजें हैं, दारू, जब यहाँ दारू को मना कर दिया जन्नत में दारू अल्लाह अपने हाथ से पिलाएगा, यहाँ जीना को मना कर दिया जन्नत में खुला जीना करो, कोई शादी नहीं, कोई निकाह नहीं, जिससे चाहो उससे जीना करो, बहत्तर बहत्तर औरतों से जीना करो, क्या ये ईश्वर का काम है? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? तुम्हारे आने में रोज जो है जन्नत के जो है एडवर्टाइजमेंट करते फिरते हैं। आओ अगर दम है तो इस्लाम के आलिम, आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आइए सामने आके इस बात को खत्म करना चाहते हो, मनुष्य मनुष्य से प्यार करे तो आइए सामने शास्त्रार्थ के लिए। मैंने नंबर छोड़ दिया, सभी को नमस्ते, धन्यवाद जी।